Hello guys, my name is Ajay Singh and you are watching Siva Learning. We are also available on Facebook, Twitter and LinkedIn, Instagram, and you can visit for any type of students counseling like JMains, NEET counseling. We have the website also www.sivalearning.in. You can visit there and you will get the all sufficient data, whatever you need. Thank you. To say, sir, I got like 250 marks, I got 280, I got 313, I got 360. Which college I should join, where I should join, what should I do? And someone, and many also used to ask, sir, I got only 130 marks, what should I do? Even I repeated. So, ऐसे बहुत सारे questions आते हैं मेरे पास. तो जरूरी नहीं है, hopeless मत होइए. जिसका marks है तो उनको तो कोई होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है. जिन लोगों के पास मार्क्स आए हैं लाइक 450, 500, 520, 540, उनको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा. बहुत लोग ऐसे हैं जो बीच के हैं, जैसे 400 नंबर आए हैं. अब 400 नंबर लाए उनके पास मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का बजट भी नहीं है. तो इस टाइप से लोगों ने प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर आपको पूरी नीट की फुल काउंसलिंग वीडियो चाहिए, कहाँ से करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, डेट क्या है, हमें कौन सी डेट पे काउंसलिंग स्टार्ट करनी है, देन ऑल द डिटेल्स ऑल आर अवेलेबल इन दिस वीडियो. लाइक वेट, आई विल टेल यू दिस वन. नो नो नॉट दिस वन, या दिस वन. टू गेट MBBS सीट कंप्लीट गाइड फॉर द काउंसलिंग नीट 2018. वीडियो को आप लोग देखिए, इसमें एवरीथिंग जो भी चाहिए आपको, 15% कोटा क्या होता है, 100% क्या होता है, 85% क्या होता है, आपको कौन सी वेबसाइट पे विजिट करना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर. एंड वाज द 185 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कट ऑफ एंड स्कोर एंड फी स्ट्रक्चर ऑफ फॉर MBBS 2018 अंडर नीट. इस वीडियो में पूरे 185 कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, जो मैंने अक्रॉस इंडिया से सर्च करके निकाला है. आप इसमें देख सकते हैं. ये आपको फुल काउंसलिंग के लिए मैंने बता दिया क्या काउंसलिंग प्रोसीजर है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कौन सी डेट पे जाना है. एवरीथिंग अवेलेबल इन दिस वीडियो. एंड सेकेंड, दिस इज द 5 to 7 lakh फीस प्राइवेट MBBS कॉलेज. ऐसे MBBS कॉलेज जिनके फीस 5 to 7 lakh हैं वो प्राइवेट हैं. ठीक है, वीडियो में आप देखेंगे तो इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा. जैसे जितना, जैसे मान लीजिए सम कॉलेज का 400 है, बहुत कॉलेज का 500 है कट ऑफ, उस हिसाब से मैंने डेटा बना के आपको दिया है. और इसमें देख सकते हैं आप लो बजट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इसमें क्या है, जितने भी लो बजट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसके पूरे लिस्ट हैं. तो आप ये सब देख सकते हैं. ठीक है, ये तो उनके लिए है जिनका मार्क्स एटलीस्ट 180 प्लस है या 200 प्लस है. नाउ लेट अस सी The courses coming under NEET 2018 and medical courses without the NEET. Okay, what to do if the NEET score less than 300? आप क्या करेंगे अगर आपका मार्क्स 300 से नीचे है? या बहुत लोग का कॉल आया, they told that sir I got only 130 marks, what should I do? And some people told that sir I didn't apply for NEET, what should I do? For them people it is the solution. The courses coming under NEET 2018 like MBBS, BDS, BPT, BMS, BHMS, BSc Nursing, BUMS, Yoga Neurotherapy and Siddha Medicine. तो guys देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने अगर MBBS नहीं करेंगे तो आपकी value नहीं होगी. It doesn't mean. ठीक है, MBBS के बाद भी कोई खास benefit नहीं होता. उसके लिए आपको MD करना पड़ता है. ठीक है, PG करनी पड़ती है. तो ध्यान दीजिएगा कि आप, ज़रूरी नहीं है आपको MBBS मिले, आप BDS भी ले सकते हैं, BPT भी ले सकते हैं, BMS भी ले सकते हैं. इट्स डिपेंड ऑन योर बजट. देखिए बहुत लोग के पास क्या है कि जो 550, 560 या 600 मार्क्स लाए उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इजीली गवर्नमेंट में पढ़ सकते हैं. हाँ, उनको गवर्नमेंट कोटा मिल जाएगा. लेकिन सम पीपल्स आर लाइक दैट, दे गॉट द लाइक 400 मार्क्स, 450 मार्क्स, तो उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना. अब डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, लाइक 10 lakhs, 8 lakhs, 9 lakhs, 15 lakh, 20 lakh, तो उनके लिए प्रॉब्लम है. तो वो अगर उनके पास बजट नहीं है MBBS का, तो वो BDS कर सकते हैं गवर्नमेंट से, BMS कर सकते हैं गवर्नमेंट से, BHMS कर सकते हैं. ये सारे कोर्सेज, दीज आर द कोर्सेज कम्स अंडर द नीट. इतने सारे कोर्सेज हैं जो नीट के अंदर आते हैं. अब चलिए ये हो गया,
मान लीजिए अब जो लोग नीट नहीं दिए हैं, ऐसा ना सोचे कि दे डोंट हैव द ऑप्शन. दोज हु डिडंट अप्लाई फॉर द नीट एग्जाम एंड दे हैव नॉट गिवन द नीट एग्जाम, दे ऑल्सो हैव द बेटर ऑप्शन. सो फॉर दैम देखिए, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का एक कोर्स होता है जिसके लिए कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है आपको. देखिए एक मैसेज आ गया, सर आई गॉट 180 प्लस इन OBC कैटेगरी इन कर्नाटका, मे आई गेट BHMS. ऐसे बहुत सारे मैसेजेज हैं, बहुत सारे कॉल्स हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेज हैं. सो आई हैव टू फेस दैट एंड आई यूज टू रिप्लाई, इफ यू पीपल हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल एनी टाइम, यू कैन मैसेज एनी टाइम, नो प्रॉब्लम, आई विल हेल्प यू टू ऑल. तो जो लोग ये उनके लिए है, जो लोग नीट का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प द पीपल ऑफ ऑल एजेस टू लाइव अ बेटर एंड मोर फुलफिलिंग लाइफ बाय हेल्पिंग देम. तो इसके लिए क्या है, ये 4.5 इयर्स का है. इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या है, बस इंटरमीडिएट पास किए रहिए PCB से. कहाँ कहाँ देखिए, ये आपको वेल्योर, ये आपको वेल्योर में CMC में है, मणिपाल यूनिवर्सिटी, इंद्र प्रस्थ यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली, राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली जामिया, मतलब अच्छे अच्छे कॉलेज में है. CMC वेल्योर बहुत अच्छा कॉलेज है. मणिपाल आपको पता है एम्स के टक्कर देने वाला कॉलेज है. तो बहुत सारे कॉलेज हैं. अगर आपका नीट में अब जैसे 80 मार्क्स या 70 या 100 मार्क्स आ गया, तो आप विदाउट नीट इसके थ्रू जा सकते हैं. ठीक है, दूसरा आता है आपका बायोटेक्नोलॉजिस्ट. अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए देखिए क्लास 12th विथ PCM, इसमें भी आप इसमें जा सकते हैं. देखिए CMC बेंगलोर है, नो इट्स क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, दिल्ली है, फंक्शन है, पुणे लॉयला है, चेन्नई VITS आरम है. ये सब बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि 3 साल का कोर्स आप कर सकते हैं. और बायोमेडिकल इंजीनियर भी आपको अमित यूनिवर्सिटी, करुणा यूनिवर्सिटी, VIT है, सत्यभामा है, शारम है. तो ये सब देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर यू. इट डजंट मीन दैट यू विल गेट द ओनली MBBS सीट, दैन ओनली विल गेट द सक्सेस, इट नथिंग लाइक दैट. ओके, एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट है क्लास 12th विद अ PCB रिक्वायरमेंट है, 3 साल का कोर्स है. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस एंड बेंगलोर है, अच्छा कॉलेज है. ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस एंड बेंगलोर अच्छा कॉलेज है. उसके बाद आप देख सकते हैं मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पैरामेडिकल साइंस है. उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे द कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, द बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियो एंड कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, इट्स लाइक 4 इयर्स कोर्स, क्लास 12th विद PCB. तो ये आपको CMC वेल्योर में है, मणिपाल. आप पता होगा कि CMC वेल्योर और मणिपाल कितनी अच्छी कॉलेज है इंडिया की. ठीक है, तो आपके अगर आपके पास लो बजट है, इफ यू हैव लो बजट, यू डोंट हैव मार्क्स इन नीट ऑल्सो, देन यू कैन चूज दिस ऑप्शन, डोंट लूज योर होप. आप यहाँ भी जा सकते हैं. ऐसे आप ये देख सकते हैं क्लास 12th विद PCB है. ठीक है, उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है, इसमें भी क्लास 12th विद PCB. कहाँ पे है, CMC वेल्योर है, मणिपाल यूनिवर्सिटी है, अमृता विश्व विद्यापीठम है, GSS अकेडमी मैसूर है, न्यूट्रिनिस्टिस्ट है. अब देखिए न्यूट्रिनिस्ट में क्या है, बहुत ज़्यादा स्कोप है. अगर आप इसमें लिए, अगर आप इसके पढ़ लिए तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के बहुत चांसेज होते हैं. जो मार्केटिंग जॉब होते हैं ना, जो फूड वगैरह चेकिंग करवाते हैं, तो ये सब कहाँ अवेलेबल है. जैसे मानव रचना यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल, LPU एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको पता है. यू ऑल नो दैट LPU इज़ ए वेरी गुड यूनिवर्सिटी इन नॉर्थ इंडिया. तो आप ये सब चेक कर सकते हैं. उसके बाद देख सकते हैं यू हैव साइकोलॉजिस्ट, बैचलर इन साइकोलॉजिस्ट इन 3 इयर्स, क्लास 12th. उसके बाद आप देख सकते हैं साइटोजेनेसिस्ट, ये भी इसका भी स्कोप है. साइटोजेनेसिस स्टडी क्रोमोजोम्स टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर एंड डिजीजेज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग जेनेटिक डिजीजेज थ्रू ब्लड. तो दे फॉर दिस यू विल रिक्वायर द क्लास 12th इन PCM इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, वेस्ट बंगाल, बैंगलोर सिटी कॉलेज, एंड देर मेनी अदर कॉलेज और देर लाइक एम्स इंस्टीट्यूट बैंगलोर. बिसाइड द अल्टरनेटिव मेडिकल कैरियर लिस्टेड अबव, देर आर द प्लेंटी ऑफ अदर मेडिकल कोर्सेज विदाउट द नीड्स विच कैन बी चेक फ्रॉम द लिस्ट बिलो. अब उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एडवांस केयर पैरामेडिक, एनेस्थेसिया, एनाटॉमी असिस्टेंट, बिहेवियर एनालिस्ट, बायोकेमिस्ट्री, बर्न केयर टेक्नोलॉजी, सेल जेनेटिक्स, क्लिनिकल ऑर्डर, क्लिनिकल सोशल वर्कर, क्लिनिकल केयर, इंटेंसिव केयर साइक एंड साइटो टेक्नोलॉजिस्ट, डायग्नोस्टिक मेडिकल रेडियोग्राफर, डायग्नोस्टिक मेडिकल सोनोग्राफर, डायलिसिस थेरेपिस्ट, डायटिशियन, एकोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. आपको पता है ECG का बहुत ज़्यादा स्कोप है. ECG अगर आप कहीं कोर्स कर लेते हैं किसी कॉलेज से, देन देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ स्कोप फॉर दिस.
इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, इंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर, फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी, हेल्थ एजुकेशनल, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ट्रांसक्रिप्शन एंड हेमेटो टेक्नोलॉजीज, इस तरीके से आप बहुत सारे हैं देख सकते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिकल ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड देन एंड एंड पोडियाट्रिस्ट एंड देन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, स्लीप लैब टेक्नोलॉजी, इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। पर ये उनके लिए स्पेशली जिसका नीट में मार्क्स बहुत कम हैं और अंडर 100 मार्क्स हैं या नीट का एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं, आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। देखिए ये आपका साइकोलॉजिस्ट का है, न्यूट्रिशनिस्ट का है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का है, एंड ये आपका परफ्यूनिस्ट का है, और ये आपका कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट का है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का है, बायोमेडिकल इंजीनियर का है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट का है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का है। ये सब देखिए अच्छी अच्छी जगह हैं, जैसे आपका CMC वेलोर में है, मणिपाल में है, इंद्रप्रस्थ में है, अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ से आप करके निकलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप जॉब के लिए आपको दिक्कत होगा, 100% श्योर यू विल गेट गुड जॉब। बहुत लोग सोच रहे होंगे नहीं मैं तो लाइक मेनी पीपल्स आर थिंकिंग दैट नो नो आई विल गो इन MBBS ओनली, माई ड्रीम इज MBBS। तो या एटलीस्ट आप अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फिर से ट्राई करिए, फिर से हार्ड वर्क करिए और लाइए 550, 560, 600 मार्क्स लाइए, गवर्नमेंट में जाइए। अब जो लोग जैसे कि बहुत सारे लोग 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं, तो जो लोग रिपीट कर चुके हैं उनके लिए अब चांस नहीं है, फालतू में ड्रॉप करने से कोई मतलब नहीं है। कहीं भी अगर आपके पास पैसे हैं, बजट हैं, तो आपको MBBS सीट मिल सकती है। फॉर दैट इफ़ यू वांट हेल्प यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, दिस इज माय ऑन वेबसाइट www.sivalearning.in। यू कैन ऑल्सो रीच टू अस बाई फेसबुक, ट्विटर, etc. एंड इफ यू हैव एनी फर्दर प्रॉब्लम, no hesitation, even in the night 10-12, anytime you can call। And other things I want to say, आज आप लोग का एम्स का एग्ज़ाम रहा होगा, आई थिंक आप सब लोगों ने अच्छा किया है, आई होप यू पीपल did well। तो ज़्यादा कुछ खास मतलब टेंशन मत लीजिए, नीट का रिजल्ट आपको 5 जून को आ रहा, 5 जून को रिजल्ट आने के बाद एम्स का एग्ज़ाम हो ही गया। आप लोग अब नेट पे बैठ के एनालिसिस करिए कि आपका मान लीजिए मार्क्स 400 है, तो 400 के अकॉर्डिंग आप चेक करिए कौन से कॉलेज हमको मिल सकते हैं, एनालाइज करिए, एक लिस्ट बनाइए, मेक द लिस्ट कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड प्रेफरेंस ये है, थर्ड प्रेफरेंस ये है, उसके हिसाब से जब काउंसलिंग होगी तो चॉइस फिलिंग करिएगा। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आता है तो ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें एवरीथिंग डिटेल इज अवेलेबल, ये देख सकते हैं। तो डोंट लूज योर होप एंड बी हैप्पी, एंजॉय, डू द काउंसलिंग इन इजी मोड, आई एम श्योर, गो अप टू द मॉप अप राउंड, आई एम श्योर यू ऑल विल गेट सम गुड कॉलेज।